भोजपुरी में इन दिनों विवादों का एक दौर जो चला हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और लेकिन इसी बीच कुछ अच्छी चीज़ें हो रही और वो लोगों की नज़र में नहीं आ रही। भोजपुरी का विवाद होता है तो भोजपुरी को कितना बड़ा लॉस होता है आप इस रिपोर्ट में देखिए। जी हाँ, इसके लिए आपको हमारा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भोजपुरी के एक ऐसी फिल्म का ट्रेलर रिव्यू जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही उम्दा है, लेकिन अफसोस भोजपुरी के चिल्लर जैसे विवादों के बीच ये फंस कर रह गई है। तो चलिए आज हम बात करेंगे आए हम बाराती के ट्रेलर रिव्यू के बारे में। जी हाँ, अगर आपने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो यशी फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए और देखिए क्या उम्दा ट्रेलर है। जी हाँ, विदाउट आम्रपाली निरहुआ इतने और बेहतरीन देख सकते हैं, आपको इस ट्रेलर को देखना चाहिए। तो चलिए, वैसे हम आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर हीरोज़ इस टाइम पर कोई बहुत अच्छी एक्टिंग करता है तो भाई उसमें निरहुआ का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उनकी फिल्मों का ट्रेलर देख लीजिए, फिल्में देख लीजिए तो ऐसा लगता है आप कुछ देख रहे हैं। और हाँ, इस फिल्म की स्टार्टिंग बड़ी ही खूबसूरत है, बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन है। और तो और फिल्म जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है आपको ये बांध लेता है, आपको बांध लेगा अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी लव स्टोरी के लिए। तो प्यारे से खूबसूरत से म्यूज़िक से भी आप उसी तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अब आपको लगेगा आगे क्या होगा, भाई जो अपना हीरो है वो तो बिहार से बिलोंग करता है, यूपी से, बिहार से बिलोंग करता है, लेकिन जो उसकी दुल्हनिया है वो पंजाब, जी हाँ पंजाब से बिलोंग करती है। और यहीं से स्टोरी शुरू होती है, यूपी बिहार का मुंडा और पंजाब की कुड़ी। अब इन दोनों के बीच के प्यार को किस तरह से ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी भाई, ये तो सिनेमा घरों में पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर को किस तरह से ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया है हम आपको बता दें कि इस ट्रेलर को रिलीज़ हुए तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं और इसे महज 4.5 लाख ही व्यूज़ मिले हैं, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि एक खूबसूरत साफ स्वच्छ आप फिल्में कैसे देखेंगे, आप फिल्मों का ट्रेलर कैसे देखेंगे, क्योंकि आपको जब अच्छा परोसा जा रहा है तो भाई अच्छा खाने में दर्द क्या है, क्या आप वही पुराना फुहड़ता वाला ही भोजपुरी पसंद करते हैं? अगर नहीं तो इस फिल्म के ट्रेलर को देखिए। इसलिए नहीं कि निरहुआ ने हमें प्रमोशन करने के लिए कहा, निरहुआ और इस चैनल का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ें हों तो भोजपुरी में सभी को सपोर्ट करना चाहिए। तो इस फिल्म में जो जो आपको नज़र आएंगे उनमें से हीरोइन का नाम है जसविंदर कौर, जो कि निरहुआ के सपनों की रानी है। अश्लेष सिंह, संजय पांडे, संजय महानंद, मीत अरोरा जैसे कई कलाकार आपको दिखेंगे। साथ ही साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ के पिता का किरदार निभाते नजर आएंगे अवधेश मिश्रा। संजय पांडे और अवधेश मिश्रा जैसे कलाकार जिस फिल्म में हों वो फिल्म कभी भी ओछी नहीं हो सकती। खैर, आगे हम फिर बढ़ते हैं क्योंकि हम बातों में ज़रा भटक जा रहे हैं। भटक इसलिए जा रहे हैं कि तकलीफ़ ये होती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में, अच्छी एल्बमों और अच्छी चीज़ों को सराहा क्यों नहीं जाता। अब जो हमारा हीरो है वो सीधे पहुंच जाता है अपने प्यार के यहाँ यानी पंजाब, और यहीं पे सारी स्टोरी क्रिएट होती है। वैसे स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है क्योंकि स्टोरी प्यार मोहब्बत से शुरू होती है, लड़ाई तकरार तक जाती है और एंड फिर दो प्रेमियों के मिलन पर ही होता है, लेकिन कहानी को जिस तरह से बुना गया है वो महत्वपूर्ण होता है। आपको ये सोचने पर ट्रेलर में ही मजबूर कर दिया जाएगा कि भाई इस फिल्म में एंड में क्या हो। वैसे इस फिल्म के जो गाने हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, हिंदी और भोजपुरी मिक्स है, उसमें एक पंजाबी सॉन्ग है। उस सॉन्ग को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसे मिक्का सिंह ने गाया है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ मिक्का सिंह का नाम कहीं मेंशन एज अ सिंगर नहीं किया गया है, तो इसलिए हम इस बात की पुष्टि भी नहीं करेंगे। लेकिन दिलदार दुल्हनिया ले जाएंगे वाला जो गाना है वो पहली बार सुनते ही कानों में इतना घुल जाता है कि उसे बार बार सुनने का मन करता है। साथ ही फिल्म पारिवारिक है, दो
साफ सुथरी पूरी तरह से। म्यूजिक का जिम्मा अशोक कुमार दीप ने संभाला है, जो काफी बेहतरीन है। प्रोड्यूसर शशि द्विवेदी और संजय सिंह हैं, और यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कैप्टन ऑफ शिप की, यानी कि डायरेक्टर साहब विशाल वर्मा की, जो कि कुछ नया नहीं परोस रहे हैं। है तो वही पुरानी चीजें, लेकिन उसे परोसने का तरीका अलग है, जो कि दर्शकों को पसंद भी आएगा। वैसे भोजपुरी में इन दिनों इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। जिस तरह से भोजपुरी बदनाम हो रही है, जिस तरह से लोग भोजपुरी को एकदम गंदी नजरों से देखते हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि भोजपुरी में अच्छी चीजें हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही जाते जाते हम आपको बता दें कि 5 में से 4 स्टार इस फिल्म के बहुत ही खूबसूरत कलाकारों के लिए, जो कि पूरी तरह से इस फिल्म के ट्रेलर के साथ न्याय करते नजर आएंगे, और फिल्म में भी इनकी एक्टिंग ऐसी ही देखने को मिलेगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।